जनाब, बड़ा खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है। सर्दियों की आमद आमद है, और जब सर्दियां आ रही होती हैं कराची में, तो बहुत कम हमें दिन ऐसे मिलते हैं जहां हम लिटरली कह सकते हैं कि विंटर्स आ रहे हैं। पर जब सर्दियों की आमद आमद होती तो एक चीज़ जो है वो बहुत पहले शुरू हो जाती है, और वो है मन चीज़। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट मुझे सर्दी में बहुत भूख लगती है और मेरी पूरी फैमिली को बहुत भूख लगती है। एंड ज़्यादातर लोगों का दिल करता है कि वो स्नैकिंग करें, मतलब सूप पिएं या नट्स खाएं। सो दैट इज़ वन थिंग दैट विंटर रियली ब्रिंग्स अबाउट। बट अदर देन दैट, इफ़ योर फैमिली इज़ लाइक माइन, तो हमारा रोज़ का, चाहे वो समर हो, विंटर हो, कोई भी हो, 365 डेज अ ईयर वी हैव अ रूटीन दैट आफ्टर डिनर वी ऑल सिट ऑन दिस बेड। येस, ऑल फोर ऑफ अस आर स्नगल टुगेदर ऑन दिस बेड एंड वी वॉच एन एपिसोड और टू ऑफ व्हिच एवर सीरीज दैट वी आर वॉचिंग और फॉलोइंग, और वी इवन वॉच अ मूवी। वेदर इट्स अ स्कूल नाइट, वेदर इट्स अ वीकेंड, जनरली मूवीज आर रिजर्व फॉर द वीकेंड्स, बट वीकडेज में भी वी हैव टू वॉच एन एपिसोड और टू। सो द किड्स And Ahmed and I, we're all on this bed and we're huddled together, and that's our family time. Normally, इनको रात को जो है चाय खाना खा चुके होते हैं, but obviously TV देखते देखते सबका दिल करता है कि कुछ ना कुछ आप मंच करें या पिए। तो I believe that it's very important to have a snack station for your room. That's right. तो आई बिलीव कि अगर आपके कमरे में आपने एक छोटा सा स्नैक स्टेशन बना लिया है, एवरी थिंग हैज़ इट्स ओन प्लेस, द किड्स नो वेयर दे कैन गेट देयर थिंग्स फ्रॉम, द हस्बैंड नोज एग्जैक्टली कि भाई कहाँ से कौन सी चीज़ उठानी है, तो आपको बार बार उठने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। सो टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ स्नैक स्टेशन फॉर योर रूम। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। इफ़ यू डू, please give it a thumbs up. If you haven't subscribed, do so right now. Click the bell icon so that you are notified each time a new video comes out. My snack station is not here. I'm having my coffee right now. Snack station is not here. It is on the other side. Actually, Ahmed ke side ke bilkul samne wali jagah par hai. So I'm going to be taking you guys there and showing you where we have created a snack station. Okay, Janab, so we are here standing by my snack station, as in our snack station for our room. Firstly, please ignore this mess. ये मेरा mess नहीं है, ये अहमद का mess है. मैं इस area को जितना भी organize करती हूँ, साफ करती हूँ, उसके next day, and I swear, I'm not exaggerating, उसके next day ये इसी हालत में आ जाता है. So now, I've decided I am not going to clean it, I am not going to organize it. It is not my mess, it is Ahmed's and he has to deal with it. So let's ignore this area. This is our snack station. It is in our TV cabinet wali jagah. This actually cabinet is very, very old. This was passed down from my parents' house to my house. Aur ye dark brown mein tha, and kam az kam 40 saal purana to hoga. Lekin jab ye mere kamre mein aaya to mera kamra thoda sa chota hai. और डार्क ब्राउन जो कलर था वो ऐसा लग रहा था कि ये जान पे आ रहा था, इट वॉज़ टू ओवर पावरिंग। सो व्हाट आई डिड, आई पेंटेड इट ऑल वाइट, एंड दैट इज़ अ टिप दैट आई एम गिविंग यू। अगर आपकी छोटी जगह है, इफ़ यू हैव अ स्मॉल स्पेस एंड यू गॉट बिग फर्नीचर एंड यू डोंट वॉन्ट इट टू ओवर पावर द रूम, देन आई वुड एडवाइज टू पेंट द फर्नीचर द कलर ऑफ द वॉल्स। तो विजुअली आपको लगता है कि इट्स ब्लेंडिंग इन टू द वॉल एंड इट्स नॉट coming on to you, so that's a top tip and you should remember that. तो इसका हमने वाइट पेंट कर लिया था। अब ये अहमद की जगह से बहुत करीब है, ज़्यादातर ही इज़ द वन हु स्नैकिंग ड्यूरिंग द नाइट और द किड्स आर, एंड इफ आई एम देन आई एम मोस्टली गोइंग थ्रू नट, सो आई गेट हिम टू गेट अप एंड गिव मी वट एवर आई नीड। सो स्मार्ट, यू नो, हस्बैंड से करीब रखें ताकि उसी को ही उठना पड़े, हमें कम उठना पड़े, हम दिन में बहुत उठक बैठक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ओरिजिनली मैंने प्लान किया था कि मैं यहाँ टियर्ड शेल्विंग करूँगी, एंड आई वेंट थ्रू दीज टियर्ड शेल्विंग यूनिट्स, मैंने दराज पे चेक किए, आई चेक देम ऑन अली एक्सप्रेस, रियली प्रिटी वंस, लाइक रियली पतले, यू नो, स्टील फ्रेम के इन वाइट, वेरी नाइस कंटेम्प्रेरी लुकिंग। लेकिन उसका मसला ये था कि एक टियर जो था वो
2000 प्लस का था और मुझे कम से कम 2 से 3 चाहिए थे। तो ये आराम से ये नुस्खा जो था मेरे लिए कहीं से 4 से 6 हज़ार के बीच में से कम तो नहीं पड़ रहा था, विच इन माई ओपिनियन इज़ टू एक्सपेंसिव। ख़ास करके जब आप रूम में करें, हियर यू आर नॉट रियली एंटरटेनिंग टू मच। अगर मैं स्नैक स्टेशन क्रिएट कर रही होती लाउंज में या जहां हम एंटरटेन कर रहे होते, तो डेफिनेटली आई वुड चूज़ टू गो फॉर थिंग्स दैट विल लुक वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग, एंड आई वुड हैव गॉन फॉर एन आइकिया बार कार्ट यूनिट, यू नो, इन अ प्रिटी टील कलर या एक ब्लैक वाला। आई हैड एन ऑप्शन कि मैं ग्लास एंड गोल्ड के साथ भी कर सकती हूँ। आप काउंटर टॉप अपने स्नैक स्टेशन एंटरटेनिंग एरिया में भी बना सकते हैं, बट यू हैव टू कीप दम वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग। चॉकबोर्ड लेबल्स कर लें, प्रिटी ग्लासेस कर लें, प्रिटी ग्लास जार्स कर लें, बट इन द रूम आई बिलीव इन फंक्शनैलिटी एंड सस्ता एंड टिकाऊ, सो दिस इज़ वॉट आई वेंट फॉर। अच्छा, अब सबसे पहले बिफोर यू इवन गोइंग आउट शॉपिंग टू बाय वट एवर यू नीड टू पुट योर थिंग्स इन टू, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट इज मेजर द स्पेस। चाहे वो आप स्नैक स्टेशन क्रिएट कर रहे हो, चाहे आप अपने घर के लिए सोफ़ा ला रहे हो, ड्रॉ यूनिट्स ला रहे हो, कैबिनेट ला रहे हो, कोई भी चीज़, जिस जगह में आपको वो चीज़ रखनी है उसको हमेशा मेजर किया करें। आई एम वन ऑफ दोज रियली क्रेजी पीपल हु ऑलवेज कैरीज अ मेजरिंग टेप इन माई बैग। आई एम ऑफिशली सर्टिफाइड क्रेजी, बट दिस इज़ हाउ आई एम। तो मैंने जाने से पहले मैंने इस एरिया को जो है वो मेजर किया था कि भाई जनाब इसका जो है इसकी विथ कितनी है, हाइट कितनी है और डेप्थ कितनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डेप्थ लोग उमूमन भूल जाते हैं कि भाई डेप्थ कितनी आ रही है। तो मेजर करें अपने पास कहीं भी फ़ोन में, अगर आप पेपर पे लिखना चाह रहे हैं जस्ट राइट डाउन द मेजरमेंट्स ऑफ द स्पेस। देन आई वेंट टू दिस पठान प्लास्टिक दुकान जो डिफेंस मार्केट में ही है, आई वेंट देयर, और जहाँ बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। ये मुझे नज़र आया, अच्छा ये उमूमन किचन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक की आपकी शेल्विंग यूनिट्स होती हैं, पोटैटोज रखते हैं, वेजिटेबल्स रखते हैं, 10 चीज़ें आप और रख सकते हैं। बहुत अजीब व गरीब कलर्स में मिलते हैं, नॉर्मली ब्राउन, पिंक, ग्रीन्स, ये मुझे ब्लू में नज़र आ गया। तो मैंने कहा जनाब ये उठा लो, बिकॉज अगर आपने मेरा रूम जितना भी देखा है उसमें आपको पता चल गया है कि मेरे रूम की जो थीम है दैट इज़ इन द शेड्स ऑफ ब्लू। आई हैव वाइट ब्लूज विद टचेस ऑफ फ्रेश ब्राइट ग्रीन एंड सम टचेस ऑफ ब्राउन, सो वेंट फॉर दिस ब्लू। फिर मैंने, और ये कितने का मुझे मिला, 450 रुपीज़। आई वॉज लाइक जनाब फ़ौरन उठाओ, फिट्स द पर्पस। उसी दुकान पे मैंने ये वाली बास्केट देखी जो कि आपने मेरी एक वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको क्लीनिंग कैरी बनाना सिखाया था उसमें भी आपने ये बास्केट देखी है। दिस इज़ अ रबर और सिलिकॉन वाली जो बैग्स होती हैं, ये मैंने देखा, मैंने कहा ब्लू ब्लू परफेक्ट, ये मैच हो जाएगा। और मैंने उसी वक्त इसको इसके अंदर रख के फिर दोबारा मेजर किया कि ये आया मेरे हाइट से, जितना मेरे पास डेप्थ है और हाइट आ रही है शेल्फ की उससे ज़्यादा तो नहीं है, बिकॉज़ अगेन एक चीज़ आप ले लेंगे फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पैसे भी बर्बाद होते हैं और टाइम भी वेस्ट होता है। ये रख के मैंने मेजर किया, इट वाज अ परफेक्ट फिट, गॉट इट इंस्टेंटली। देन दिस इज़ एक्चुअली माई सेक्शन, दिस इज़ माई कीटो सेक्शन जी। तो मैं बास्केट्स जो हैं वो लेती रहती हूँ और ज़्यादातर एक ही टोन में लेती हूँ, ब्लू फिरोजी जो कलर आपको पता है मेरा पसंदीदा है वो, या फ्रेश ग्रीन में। सो आई हैव एन एम्पल सप्लाई ऑफ दीज बास्केट्स, इनको मैं निकाल के आपको अभी बताती भी हूँ कि इनकी खासियत क्या है। तो ये दो मैंने शेल्व्स जो हैं हमने अपना स्नैक एरिया के लिए मुकरर कर दिया, जिसको कहते हैं दिस इज़ वेयर ऑल आर स्नैक्स आर कंटेंड। नाउ ऑब्वियसली आई कॉन्ट शो यू यहाँ क्लियरली कि मैंने ऑर्गेनाइज कैसे किया है, सो आई एम गोना टेक all these things out, take it into the other area and I will show you in detail how I've organized the snacks that we like to eat. Okay janab, sari cheeze leke hum is taraf aa gaye hain taaki aapko acche tarike se sari cheeze dikha saken ki kaise humne organize kiya hai. Agar aap chips khana pasand karte hain and you like to have chips, your family likes to have chips,
Then I would advise getting a basket like this, like a handle basket or any basket basically, जिसमें depth हो. मैंने हर तरीके से कोशिश करके देख ली थी चिप्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है छोटे बास्केट्स में सीधा रखने से. एपिक फेलियर, बिकॉज आप एक निकालते हैं तो दूसरा गिरता है, फिर वो एक बहुत अनटाइडी सिस्टम लगता है. तो मैंने ये बास्केट का इंतखाब किया. दिस आई थिंक वॉज अ लाइफ सेवर. ऑल आई हैव टू डू इज़ वेन वी गो आउट ग्रोसरी शॉपिंग, कम बैक, एम्प्टी द बैग्स इन इट एंड दैट्स इट. तो चिप्स इसके अंदर सारे आ जाते हैं, ये सारे. अच्छा, जो कल ये कल रात का पैकेट है जो कि खुला था, उसको मैंने फोल्ड करके बॉक्स क्लिप डाल दिया, सो इट स्टेज फ्रेश. अनदर टिप, टिप्स की भरमार है आज वीडियो में. तो ये चिप्स की मेरी बास्केट आ गई आराम से, आपने इसके अंदर सारे डंप इन कर दिए, तो ये आ जाता. तो अहमद और बच्चों का चिप्स का स्टेशन ये आ गया. फिर इसके बाद मैं इसको कहाँ रखूँ ताकि मैं आपको और चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ. These are my and everyone's nuts. We are a nutaholic family. Almonds keto friendly, pumpkin seeds keto friendly, melon seeds and pumpkin seeds. So this is something very nice. So sardi mein to khas karke seeds aur badam, piste, peanuts, isme maza aata hai. So maine yahi glass jars jo hain, jo aapki coffee ke jars hote hain, बहुत सारी चीज़ों में हमारे पास जार्स आ जाते हैं, उन्हीं को यूज़ किया, उनको फेंक के ना, रीयूज देम. प्लास्टिक एंड एक्रेलिक. तो ये हमारा टॉप टियर हो गया. अब हम इसके नीचे वाले टियर की देखेंगे इसमें क्या है. इसमें भी मैंने बास्केट्स का इंतखाब किया, बिकॉज पता है क्या, अगर आपने बास्केट्स के अंदर बास्केट्स रखी तो उससे दो फ़ायदे होते हैं. एक तो ये चीज़ें होती हैं कि आपने कंटेन कर दिया वो सामान, और फिर दूसरा ये कि वो आपस में लुढ़कते नहीं हैं. नॉर्मली अगर आप ऐसे ही डाल देते हैं तो एक चीज़ निकालते हैं तो दूसरी चीज़ गिर रही होती है. सो बास्केट्स विद इन अ बास्केट्स विद इन अ बास्केट्स विन. सो दिस इज़ द स्मॉलर बास्केट जिसके अंदर बच्चों के ये नूडल्स हैं. वी आर एन इंस्टेंट नूडल फैमिली एंड इट्स अ गुड स्नैक. और इसके लिए आपको जो है चूल्हे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज आप ये हॉट जो आपकी इलेक्ट्रिक केटल्स होती हैं उसमें भी बना सकते हैं. मेरे कमरे में सिर्फ एक माइक्रो और चूल्हा नहीं है, उसके अलावा बाकी सब है. और एक आयरनिंग बोर्ड, वो भी नहीं है, पर ये तीन चीज़ें नहीं है, इसके अलावा सब चीज़ें हैं. लेकिन हॉट के जो केटल होती है इलेक्ट्रिक केटल, उससे भी सारी चीज़ें बन सकती हैं. तो खैर एनीवे, दीज आर द इंस्टेंट नूडल्स. ये रात को तो खैर नहीं खाए जाते, बट आई प्रेफर कीपिंग देम इन द रूम, क्योंकि अगर मैं बाहर रखती हूँ तो आई हैव नो आइडिया कि बच्चे कितना कंज्यूम कर रहे हैं. सो आई प्रेफर कि बहुत ज़्यादा ना कंज्यूम करें, इसलिए रूम में होता है तो आई कैन कीप अ चेक ऑन इट. इसी बास्केट के अंदर नॉर्मली इनके कुकीज़ आते हैं, जैसे ये कोकोमो के पैकेट्स आ गए, कपकेक्स हो गए, सारे कुकीज़ जो होते हैं, कुकीज़, नूडल्स, ये बच्चों का सामान इसमें आ गया. अच्छा जनाब, तो ये हमारा नीचे वाला बास्केट हो गया. अब लेट्स मूव ऑन टू दिस साइड. यहाँ आप देख सकते हैं कि मग्स पड़े हुए हैं. आई जस्ट मूव स्लाइटली हियर. ये मग है जिसके अंदर एक बॉटल ओपनर है, कभी उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो वन शुड ऑलवेज हैव इट. फिर ये खाली मग है. इन दोनों मग्स को आप हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी वांट टू हैव कॉफ़ी या यू नो ग्रीन टी एट नाइट या यखनी. दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक टू डू, स्पेशली विंटर नाइट आई लाइक टू सिप ऑन यखनी. तो वो भी मैं कहाँ रखती हूँ वो भी बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले ये जगह जो है इसको हम कर लेते हैं. एक्स्ट्रा स्पूंस एंड फोर्क्स, एज यू कैन टेल दे आर ऑल्सो इन अ मग. लेट मी ट्राई एंड टेक दिस आउट. एक तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप फिल्म कर रहे होते हैं और जगह की भी कमी पड़ जाती है. तो खैर एनीवे, ये एक मग है, इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा फोर्क्स एंड स्पून्स रख दिए हैं फॉर स्टरिंग कॉफ़ी, एनीथिंग दैट यू वांट टू ड्रिंक और इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग दैट रिक्वायर्स फोर्क्स. सो यू विल फाइंड ऑल ऑफ दिस आल्सो इन माय रूम. नाउ दिस इज़ अ टी, ब्यूटिफुल रोज टी जो कि नेपाल से आई थी. माई सिस्टर हैड गॉटन इट and I absolutely love it. I have a tea station alag, lekin ye kyunki thoda sa ek boxy element tha uske andar fit nahi aa raha, so I just put it in here. So this is the one from Nepal which is beautiful. So ye humne yahan rakh diya. ye hamare forks and spoons wapas idhar aa gaye.
देखें, बग़ैर देखे मुझे पता है कि मुझे कहाँ कहाँ चीज़ें रखनी है। ये हमारा यहाँ मग आ गया और ये हमारा एक्स्ट्रा मग जो है, एक्सक्यूज़ मी फॉर द साउंड, वो इधर आ गया। तो कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए, यखनी चाहिए, मग्स भी अवेलेबल हैं। आपने उठाया, अपने पैकेट्स उठाई, इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल किया एंड यू आर सॉर्टेड, और रूम से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं इसको हटा के आपको वो बताती हूँ जो मेरे नीचे वाले शेल्फ में था, जो कि मेरा कीटो का भी सामान है, उसके अंदर हमारा टी यूनिट भी है एंड अ लिल एक्स्ट्रा स्टफ इज़ वेल, तो वो दिखाती हूँ। अच्छा, बिफोर आई कैन बिगिन एंड शो यू ऑल दिस सामान, लॉट ऑफ पीपल हैड बीन आस्किंग मी कि आप कीटो कर रही हैं तो हाउ मच वेट हैव यू लॉस्ट। आई हैव लॉस्ट अबाउट 40 pounds एंड इट्स बिन अबाउट 11.5 months, क्लोज टू अ ईयर दैट आई हैव बीन ऑन कीटो। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड अ स्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल टू फॉलो, बट रिज़ल्ट आते हैं, ज़रूर आते हैं। कुछ लोगों के तो बहुत ड्रामेटिक रिज़ल्ट आते हैं, बहुत जल्दी आते हैं। फॉर मी इट्स बिन अ वेरी स्लो एंड स्टेडी पेस, बट आई एक्चुअली लाइक इट बिकॉज इट्स फॉर मी इट्स हेल्दियर। एंड प्लस जब आपका स्लोली वेट लूज़ होता है तो आपकी बॉडी डज नॉट गो इनटू अ शॉक एंड इट्स ऑल्सो मोर ईजी टू मेनटेन इट एंड इट्स अ स्टेबल वेट लॉस। सो कपड़े मेरे सारे ढीले हुए हुए हैं। ये मेरी फ़िटिंग वाली कमीज़ थी, जब मैंने कुछ 10-15 pounds लूज़ कर दिए थे फिर मैंने फ़िटिंग वाली थोड़ी सी बनाई थी, ये भी अब बिल्कुल थैला हो चुकी है। और मैं इंतहाई लेज़ी हूँ व्हेन इट कम्स टू मेकिंग क्लोथ्स, तो यू विल सी मी ए रिपीटिंग अ लॉट ऑफ आउटफिट्स एंड इन थैलास, लाइक लिटरल थैलास। सो इट्स अ थैला that I wear. But today I'm not talking to you about keto, or I'm not talking to you about what I'm wearing. I'm showing you how to organize your snack station. So let's get into this. जी, तो I decided to sit down ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। यहाँ से शुरू करते हैं, तो इसको हम ज़रा इधर मूव कर लें और इसको हम इधर मूव कर देते हैं, ठीक। अच्छा, एक मग जो है, अगेन वी गेट अ लॉट ऑफ असॉर्टमेंट्स ऑफ डिफरेंट मग्स। कोई ट्रैवल कर रहा होता है वहाँ से हम उठा लेते हैं। ये जो है आई थिंक साउथ अफ्रीका से उठाया हुआ था ड्यूरिंग द सफारी, आई हैवंट गॉन, अ फ्रेंड ऑफ आर्स वेंट। सो इसके अंदर मैंने सारा स्टीविया डाला हुआ है। स्टीविया इतना क्यों है, क्योंकि मैं एक्चुअली शुगर बिल्कुल नहीं लेती। कीटो पे तो आप खैर शुगर ले नहीं सकते, यू आर अलाउड स्टीविया या आपका एरिथ्रोल हो गया। I prefer to avoid any form of sweetness. तो मैं स्टीविया का तभी इस्तेमाल करती हूँ अगर मैं कोई कीटो डिज़र्ट बना रही हूँ, जो कि बहुत रेयर है, या इफ़ आई एम मेकिंग थाई और जापनीज, बिकॉज उसके अंदर मीठे का इस्तेमाल होता है। तो इंस्टेड ऑफ शुगर आई यूज़ स्टीविया और आई मेक दोस कीटो कैंडीड नट्स, जिसकी रेसिपी मैं एक दफ़ा ज़रूर इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। दे आर सुपर यमी, दे आर कीटो स्पाइसी बार नट्स, that's the label that I've given them, so they're sweet and spicy and they're delicious. So anyway, stevia, honey for Ahmed because winter shuru ho gaya and he normally ends up with a bad throat, so he prefers having warm water with honey or just honey as it is. So ye honey and a squeezy bottle, so it's easy taki koi mess na ho. Phir jaise maine kaha, I love yakhnis, so we have a lot of yakhni packets. We have कप सूप वाले, जो एक कप के अंदर आप बस सूप बना सकते हैं, वो आ गए। फिर टी मिक्सेस फॉर व्हेन फ्रेंड्स कम ओवर, माय फ्रेंड्स, माय बेस्ट फ्रेंड्स हु आर ऑलवेज इन माय रूम, वी डोंट प्रेफर टू सिट इन द ड्राइंग रूम, इफ दे लाइक टू हैव टी, सो 3-in-1 इजी मिक्स। अहमद के लिए ये कॉफ़ी, बिकॉज मैं तो ले नहीं सकती, चीनी अलाउड नहीं है, ना पाउडर्ड मिल्क इन एनी फॉर्म, but I love these Nescafe ki latte macchiato, so I love these. I am a black coffee person, I like having black coffee without any sugar, anything, and I eat, in fact it's a little quirky, I put a little bit of salt in it, but just in case I have these small sachets of black coffee. Normally I buy my coffee itne bade bade jars mein jo ke kitchen mein rehti hai. तो ये हमारा ड्रिंकिंग स्टेशन, हॉट बेवरेज स्टेशन आ गया। ग्रीन टी भी होती है जो कि इस वक्त ख़त्म हुई भी है। फिर ये मेरा कीटो पैंट्री आ गया है, जिसके अंदर जो मेरे एक्स्ट्रा कीटो के आइटम्स होते हैं, कुछ तो किचन में ही रहते हैं और जो थोड़े से ज़्यादा होते हैं उनको मैं यहाँ रख लेती हूँ। दीज आर माई कॉफ़ी फिल्टर्स, दैन वी गॉट आमंड फ्लावर,
We've got mayonnaise, we've got tuna. I absolutely love tuna. My ये collagen powder आ गया. फिर यहाँ ये konjac rice है, konjac spaghetti है. I don't really like them too much and this is a hassle making it, hence they're in the back. Coconut flour extra, xanthan gums, few spices. ये सारा keto का आ गया. ये हमारा hot beverage station आ गया. कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जो भी चीज़ें ठंडी रहनी होती हैं, चॉकलेट्स हो गए, ऐसी आइटम्स वो फ्रिज में होती हैं, पर आज मैं आपको फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन नहीं बता रही हूँ, दैट्स अ कम्प्लीटली सेपरेट वीडियो. आज हमने स्नैक स्टेशन डिस्कस किया, जो कि हमें चीज़ें जो बेड पे हमें चाहिए होती हैं, चिप्स, नट्स, आपका गरम, अगर आपको कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है, ग्रीन टी पीनी है या यखनी पीनी है, वो सारा सामान आपको आ गया. कि कैसे आपके पास एक जगह में, कंसोलिडेटेड जगह में आपने अपने वो सारे आइटम्स रख लिए. ओके गाइस, सो दिस वाज माय स्नैक स्टेशन फॉर माय रूम. एंड इफ़ यू सॉ कि देखें, सस्ती चीज़ों में ये 450 का मिल गया. बास्केट्स आपको बहुत सस्ती मिल जाती हैं, मग्स घर में मिल जाते हैं, आप रिसाइकल करें जो भी आपके पास जार्स आते हैं, प्लास्टिक के हों, कांच के हों, रिसाइकल करें, रीयूज़ करें, रीपर्पस करें. तो सस्ते में भी आप एक अच्छा सा स्नैक स्टेशन बन सकता है, विच इज़ फंक्शनल, सस्ता, टिकाऊ एंड सर्व द पर्पस. आपके पास मग्स भी होने चाहिए, एक्स्ट्रा कटलरी भी होनी चाहिए. जो भी मेरे रूम में, तो जब मेरी दोस्त आती है, वो कहती है यार तुम्हारे कमरे में तो ऐसा लगता है कि जिस चीज़ की भी बंदे को ज़रूरत मिले वो यूँ हाजिर हो जाती है. तो आई लाइक इट दिस वे. आई वॉन्ट एवरी थिंग टू बी वेरी ईजी एक्सेस, हैंड्स डिस्टेंस पे होना चाहिए और ज़िंदगी थोड़ी सी आसान होनी चाहिए. इन्जॉय करें, खाते पीते इन्जॉय करें, हेल्दी चीज़ों को यूज़ करें. स्नैक्स, चिप्स में दे आर माई फेवरेट, बट आई कॉन्ट ईट दम, बट आई नो माई चिल्ड्रन लव इट, माई हस्बैंड लव्स इट, हेंस दे आर देयर. अच्छा, बास्केट्स की जब बात कर रहे थे, मैंने एक चीज़ बताना आपको भूल गई थी कि मैं ये वाली बास्केट्स क्यों प्रेफर करती हूँ. ये अब हर जगह मौजूद हैं, लिटरली हर जगह मौजूद हैं. वो इसलिए बिकॉज दे कैन बी ईजिली कंपार्टमेंटलाइज एंड सेक्शनड ऑफ अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. ये निकल आता है, ये इसके स्लॉट में डल जाता है. अब आप चाहें इसको पीछे करें, छोटा करें, बड़ा करें, तो आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं. तो आप बहुत सारी चीज़ें फिट कर सकते हैं. आई टोटली रिकमेंड बास्केट. अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे भाई हमें कहाँ से मिलेगी. जैसे मैंने कहा, बहुत आसानी हर जगह आप तो दस्तयाब हैं. यू कैन गेट देम फ्रॉम प्लास्टिक स्टोर्स, बच्चा पार्टी में भी अवेलेबल हैं. मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऑनलाइन जो शॉपिंग पोर्टल्स हैं उनमें जहाँ ये प्रोडक्ट्स मिल जाएँ उनके प्रोडक्ट लिंक्स मैं नीचे मैंशन कर दूँ. सो डो गो इन सी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. For my international viewers and people who like to shop from Amazon, the Amazon product links are available. For Pakistani shoppers, I give links for goto.com.pk as well as Daraz. So, in jagahon se aapko mil sakta hai. So, I hope you really liked this video. If you did so, please thumbs up, subscribe and do give me a comment down below. अच्छा, कमेंट्स और सब्सक्राइब से मुझे याद आया, बहुत सारे लोगों ने मुझे आके जब वो फिज़िकली मुझसे मिलते हैं वो कहते हैं कि यार तुम्हारी वीडियो देखी, बड़ा मज़ा आया, ये वो. मैं कहा तुम लोगों ने लाइक तो नहीं की, ना कमेंट किया, ना सब्सक्राइब किया. दिल्ली क्या, हमारे पास यूट्यूब अकाउंट नहीं है, हमें वो अलाउ ही नहीं कर रहा है करने का. मैं कहा अच्छा, यूट्यूब अकाउंट तो बड़ा आसान है बनाना. डू यू हैव अ जीमेल एड्रेस या एक गूगल अकाउंट? बस वो चाहिए और आपको ऑटोमेटिकली यूट्यूब में आप साइन इन कर सकते हैं. और अगर आप यूट्यूब पे साइन इन करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको अलाउ कर देता है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कॉमेंट करना. एंड यू, आई लव यूट्यूब, सो यू गेट टू वॉच सो मेनी वीडियोज़ एंड सेव योर प्ले लिस्ट इज़ वेल. बट जो लोग बहुत लेजी हैं, दे डोंट वांट टू मेक एन अकाउंट और अ गूगल अकाउंट या जीमेल फॉर देयर ओन रीजंस, उनके लिए भी एक सलूशन लेके आई हूँ. वो ये है दैट आई हैव जस्ट लॉन्च्ड माय फेसबुक पेज. दिस इज़ माय फेसबुक पेज एंड लिंक इज़ आल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. वहाँ मैंने ये सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं और बाकी भी वीडियोज़ डालती रहूँगी. उसके अलावा जो छोटे छोटे स्निपेट्स होते हैं, छोटे छोटे व्लॉग्स होंगे, वो भी डालूंगी ताकि इंटरेक्शन हमारी बढ़े और आप जो हैं वहाँ फ्रीली जो है वो कमेंट कर सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं. सो डू गो एंड चेक दैट आउट. इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, उस पर भी डालते रहेंगे. तो ख़ास करके अभी क्योंकि दिसंबर में मेरी नंद की वेडिंग है, इट्स माय सिस्टर इन लॉज वेडिंग, सो इट्स गोना बी इनसेन. दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई हैवन्ट बीन एबल टू मेक अ वीडियो फॉर
अराउंड 2 वीक्स, बिकॉज वेडिंग प्रेप चल रही है, स्कूल एक्टिविटीज़ भी फुल ऑन हाई पर हैं. तो मैंने सोचा कि फेसबुक और इंस्टा पे हम छोटे छोटे स्टोरीज डाल सकते हैं. आई टेक यू अलॉन्ग माई जर्नी. वेडिंग प्रेप की हो गई, कुछ तो काफ़ी हद तक हो गया तो वो तो नहीं दिखा पाई, लेकिन जो अब रहता है वो ज़रूर दिखा सकूंगी, एंड प्लस द वेडिंग इट्सेल्फ. सो इट विल बी फन. सो डू गो हेयर, लाइक, फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड ऑन फेसबुक. कॉमेंट ज़रूर करते रहें, इंटरेक्शन बढ़ाएं. यार मैं ही बोलती जाऊँगी तो मज़ा नहीं आएगा ना, आपको भी मेरे साथ बातें करनी है, तो वो ज़रूर कीजिएगा. एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, विच इज़ ऑल्सो अराउंड द विंटर सीजन, एंड इट्स अ लिटिल बिट ऑफ पैम्परिंग, इट्स अ परफेक्ट गिफ्ट टू गिव समवन. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट द वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट. उसके लिए इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा. एंड अंटिल दैट वीडियो, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, lots of love.